नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम कोलिनर्जिक सिस्टम में अब आगे बढ़ेंगे। अभी तो हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबकी बात कर ली है, अब हम बात करेंगे डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट में एक बहुत कॉमनली यूज ड्रग, दैट इज पाइलोकार्पिन। ठीक है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाइलोकार्पस माइक्रोफिलस। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका M3 का मेन एक्शन होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट मस्करेनिक एक्शन होता है। निकोटिनिक एक्शन गैंग्लिया पे, NN पे बहुत कम होता है। बेसिकली इसको आँख के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली ग्लोकोमा में यूज़ करते हैं। ग्लोकोमा इज अ कंडीशन ऑफ रेस्ड इंट्राओक्युलर टेंशन, जहाँ पे आपको इंट्राओक्युलर टेंशन मोर देन 21 मिलीमीटर मरकरी हो जाता है। आई में डालते ही कॉर्निया के अंदर घुसता है और तुरंत से कॉन्स्ट्रिक्शन करता है पिपिलरी मसल का, सिलेरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है और इंट्राओक्युलर टेंशन कम करता है विद 4 से 8 घंटे के लिए। इसका एक्शन लास्ट करता है, यूज ओपन एंड ग्लोकोमा और जीरो स्टोमिया। जीरो स्टोमिया बेसिकली स्टोमा इज एनी ओपनिंग, एनी हॉलो कैविटी इज अ स्टोमा। हमारे जो माउथ है दिस इज अ स्टोमा। जीरो मतलब ड्राइनेस, जीरोसिस ड्राइनेस, तो सूखा मुंह इज नोन एज जीरो स्टोमिया। जीरोसिस मतलब सूखना, स्टोमा मतलब हॉलो कैविटी यानी कि माउथ। ठीक है, दोनों में होता है। इसमें ड्राई माउथ में क्या करता है, सलाइवा का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, M3 रिसेप्टर्स पे काम करके। साइड इफेक्ट क्या है, इनिशियल स्टिंगिंग सेंसेशन लगता है आई में, पेनफुल स्पैजम ऑफ अकोमोडेशन हो सकता है, पसीना बहुत ज़्यादा आ सकता है, सलाइवरी बहुत सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, सब बढ़ा देते हैं सिक्रीशन। एड्रोफोनियम बता ही चुका हूँ, नियोस्टिगमिन को रिजेंबल करता है, बट इसका एडवांटेज है इसका बहुत ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है। अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस वाले पेशेंट को तकलीफ होगी तो बहुत कम देर के लिए होगी। डायग्नोस्टिक एंड फॉर मायस्थीनिया ग्रेविस 2 to 10 मिलीग्राम इंट्राविनियसली दिया जाता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करता है बताया था, माइसिनिक में बहुत कम, कोलिनर्जिक में बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब यूजेस ग्लोकोमा में तो अभी डिस्कस किया ही था, पाइलोकार्पिन को दिया जाता है। ठीक है, फिर टू रिवर्स इफेक्ट ऑफ मिड्रियाटिक, मिड्रियाटिक इन एनीथिंग विच मिड्रियाटिक डी, मिड्रियाटिक मतलब डी से डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल, तो एक कंस्ट्रिक्शन हो जाए कर देता है आफ्टर रिफ्रैक्शन एरर टेस्टिंग। जनरली जब चश्मा चढ़वाने आप आई के डॉक्टर के पास जाते हो तो बेसिकली क्या होता है, जनरली जब आप आई के डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हो तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपका चश्मे का पावर आपको देता है देख करके आपकी आँख की पुतली के अंदर, मतलब कि फंडोस्कोपी से वो आपके प्यूपिल के अंदर पूरा फंडस एग्जामिन कर लेता है आई का। तो उसके लिए उसको चाहिए कि आपका प्यूपिल डायलेटेड हो, क्योंकि अगर आँख की पुतली बड़ी होगी तभी वो अंदर देख पाएगा अपनी टॉर्च लगा के, क्योंकि अगर वो टॉर्च लगाएगा ऐसे आपकी आँख में तो ऑब्वियसली आपको पता है लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है, कि जब भी गहरी तेज़ रोशनी पड़ती है आँख में, आँख की पुतली छोटी हो जाती है साइज में, तो वो चाहता है कि आँख की पुतली बड़ी रहे, छोटी ना हो, तो इसीलिए हम मिड्रियाटिक देते हैं। और एक बार उसने टेस्ट कर लिया, अब हम चाह रहे हैं कि हमारा प्यूपिल वापस नॉर्मल साइज पे आ जाए, तो हमने मायोटिक दे दिया। दूसरा टू ब्रेक एडिजन्स, ठीक है, एडिजन्स हो जाते हैं बिटवीन आयरिस एंड लेंस और कॉर्निया। एडिजन्स इज एनीथिंग विच इज़ अ वेरी स्टिकी थिंग, जो कि दो चीज़ों को बाइंड करता है, एडिजिव, जैसे जो गम होता है, आप कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, तो गम वो वाला गम नहीं है, ये गम चिपकाने वाला है ये गम। ठीक है, तो बेसिकली जो गम होता है जैसे चिपका देता है, तो एडिजिव इज एनीथिंग विच बाइंड्स टू सब्सटेंसेस वेरी टाइटली टुगेदर। तो आयरिस और लेंस कई बार चिपक जाते हैं, और आयरिस और कॉर्निया कई बार चिपक जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ये ब्रेक करने के लिए मायोटिक इज ऑल्टर्ड विद अ मिड्रियाटिक, यानी कि पाइलोकार्पिन के साथ हम देते हैं फिनाइलेफ्रिन या फिर एट्रोपिन। मायसिना ग्रेविस में बता चुका हूँ, नियोस्टिग्मीन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव डीक्यूरराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन के समय मसल्स को हमको रिलैक्स करना होता है, अब मसल रिलैक्स हो गई, अब हम चाह रहे हैं रिलैक्स होने के बाद मसल वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए, तो इसके लिए हम नियोस्टिग्मीन देंगे, जिससे कि मस्कुलर वीकनेस खत्म हो जाएगी, मसल वापस आ जाएगी अपनी पोजीशन में। पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस या यूरिनरी रिटेंशन, पैरालिटिक इलियस हो खैर मेडिकल इमरजेंसी हो गई, अगर किसी को होता है पैरालिटिक इलियस है मतलब इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं, खाना पेट में जैसे का जैसा पड़ा है, इसमें मरीज मर सकता है, द पेशेंट कैन इवन डाई अगर उसका टाइमली आपने ट्रीटमेंट नहीं करा, क्योंकि हम चाहते हैं इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हमेशा होते रहें, खाना पचता रहे और अंदर बॉडी के अब्जॉर्ब होता रहे। तो ऑपरेशन के बाद कई बार हो जाता है, तो उसके लिए हम नियोस्टिग्मीन दे सकते हैं।
यूरिनरी रिटेंशन में क्या होता है, यूरिन आके एक्यूमुलेट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रहा। आपको पता है M3 रिसेप्टर्स मैंने बताया था यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डिट्रूसर मसल में, ट्राइगोन में, ठीक है, सब में बेसिकली डिट्रूसर मसल का वो कॉन्ट्रैक्शन करा के यूरिन को रिलीज कराएगा। इसके लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं यूरिनरी रिटेंशन के लिए, नियोस्टिग्मीन भी यूज़ कर सकते हैं, बट सो इसमें इंट्रा मस्कुलर नियोस्टिग्मीन को दिया जाता है, ठीक है। इंट्रा मस्कुलर नियोस्टिग्मीन ऑफर ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वाई नियोस्टिग्मीन को हम क्यों यूज़ करते हैं मायसिनिया ग्रेविस में। जैसे मैंने बताया था नियोस्टिग्मीन हैज नो पेनिट्रेशन इन द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसके साइड इफेक्ट से हम बच जाएंगे। प्लस इसका डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्शन होता है ऑन द NM और द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द NMJ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो दो रीजन्स होते हैं, पहला इट हैज नो इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो उसके सीनेस के एडवर्स इफेक्ट फाइसोस्टिग्मिन के जो होते हैं उससे हम बच गए। दूसरा इसकी डायरेक्ट एगोनिस्टिक एक्टिविटी होती है ऑन द NM रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये सब मायसिनिया ग्राविस के सिम्टम्स हैं बेसिकली। टोसिस आप देख सकते हैं, ड्रूपिंग ऑफ द आईलेड, वो ठीक हो जाती है। वीकनेस और स्माइल, स्माइल भी नहीं कर पाता, एड्रोफोनियम देते ही वो पेशेंट स्माइल करने लगता है, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में पेशेंट ठीक होता है सबेरे, बट ब्लर्ड विजन और स्पीच स्लरिंग बाद में हो जाती है। और पेशेंट विद चिन ऑन चेस्ट, अगर उसका सर पीछे करा जाए, ठीक है, तो फिर वो रेजिस्ट नहीं कर पाता उसको। जनरली जब उसका सर ऐसे नीचे और आपने ऊपर किया तो वो ऐसे नीचे रखेगा, रेजिस्ट करेगा, बट मायसिनिया ग्रेविस में ऐसे हो जाते हैं, इतना आराम से होते हैं, कोई रेस्टेंस ही नहीं ऑफर हो रही ना। तो जैसे ही वो फिजिशियन ऐसे कर रहा है, हम कह रहे हैं तुम प्रेस करो, वो क्या प्रेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गया, ठीक। फिर कोबरा बाइट में यूज होता है टू एंटागोनाइज द क्यूरारे लाइक एक्शन। क्यूरारे बेसिकली क्या होता है, न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर होता है, तो मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस कर देता है। तो कोबरा न्यूरोटॉक्सिन की वजह से जो क्यूरारे लाइक इफेक्ट होता है, दैट इज मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट, उसको एंटागोनाइज करता है। बेलाडोना बेसिकली एट्रोपिन पॉइजनिंग है, फाइसोस्टिग्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अल्जाइमर्स के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, रिवास्टिग्मिन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामिन आर द बेस्ट ड्रग्स। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ टुडेज एपिसोड, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।